लोगों ने काफी देर से ना वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज हम लोग आएंगे अपने न्यू वीडियो के साथ। ईद ड्रेस और ये हमारा ईद का सूट इंस्टाग्राम से हमने ऑर्डर किया था, ये आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा कि ये इस इंस्टाग्राम का इस नाम क्या था। मैं तो काफी मिस कर रही थी कि हम लोग नई कब वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग फिक्र नहीं करनी कि लॉकडाउन हो गया, इंस्टाग्राम से भी आप लोग अपने सूट मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं गाइस। और हमने एक केक भी ऑर्डर किया था, बहुत बहुत मजा था। रोई रोई फैन का नाम था गाइस, जिसके बहुत मजे का था, बहुत बहुत मजे का था। आपने जरूर ऑर्डर करना है, उस ब्रांड का नाम था जोई के और बहुत बहुत मजा था, आपने भी जरूर ऑर्डर करना है। और इनटू द वीडियो, ये सूट जो है वो इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया है, और बेहतर यही है कि क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज हो चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पेजेस से भी जो सेल फोन स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करें, लोगों की भी मदद होगी इसके साथ साथ, क्योंकि उनके ब्रांड प्रमोशन में ऑब्वियसली उनके बिजनेसेस हैं, और इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो हैं और जिस तरह के आपको पसंद है आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने कपड़े। तो ब्रांड से होता है कि जैसा कपड़ा होता है आपको एज इट इज़ लेना पड़ता है, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हो। व्हेन यू नो ऑर्डरिंग फ्रॉम अ पेज इट्स वेरी डिफरेंट, यू कैन यू नो चेंज द साइज, और इफ़ यू डू नॉट लाइक द प्रिंट, और इफ़ यू वॉन्ट टू एड समथिंग और सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द ड्रेस यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो बेहतर ये होता है कि आप इंस्टाग्राम पेजेस से ऑर्डर कर लें, जिस तरह के ये हमने ऑर्डर किया है क्लोजेट बाय एम से, इनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो मैं लिंक कर दूंगी डाउन बिलो। और ये सिर्फ एक हमने ड्रेस ऑर्डर नहीं किया, हम लोगों ने 2 ऑर्डर किए थे और हमारे एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है और बहुत बहुत अच्छे कपड़े लग रहे हैं। तो ये जो है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कॉटन लॉन कॉटन तो नहीं लॉन कॉटन मिक्स सा ये मटेरियल है, और इसके ऊपर गोटी का सारा है जो है ना आप देख सकते हैं डिटेल्स हैं। और आजकल इस तरह के कपड़े वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ये जब पहना था इसकी फिट तो बिल्कुल हलीमा के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंगन में जो था वो कपड़े होते थे, वो जो ड्रामा आता था बिल्कुल वैसा इसकी जो है ना फिट लग रही थी। तो ये बैग पे भी इस तरह से इसकी हुई है डिटेलिंग, और इसके साथ प्रिंटेड इसकी शलवार है ये आप देख सकते हैं। प्रिंटेड शलवार है बिल्कुल इसकी, तो शॉकिंग पिंक कलर के साथ ये प्रिंटेड शलवार भी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो दूसरा वाला है वो रेड कलर में है, और उसकी जो बेस है आई गेस वो रेड है। तो ये डिटेलिंग है, और साथ इसमें इसके गोल्डन नेट का दुपट्टा है। ईद का मज़ा ख़राब नहीं हो जाता बिल्कुल भी, अगर लॉकडाउन इम्पोज हो गया है, अगर आपने कपड़े नहीं लिए हैं अभी भी देर बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप अपने किसी फेवरेट इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आप क्लोजेट बाय एम पे चले जाएं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, तो आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं इस तरह के कपड़े, क्योंकि हम लोगों ने इस बार यही ही किया है। और सबसे ईजी बात इसकी ये होती है कि वो जो जितने भी इस तरह के ब्रांड्स होते हैं वो सारे SOPs का ख्याल रखते हैं, और आपके घर में कपड़े आ जाएंगे, और आप अपनी मर्जी से भी मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा कि फुली जो है वो आपको सर करना पड़ेगा, और काफ़ी रीज़नेबल जो है इनकी प्राइसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड और कोई बहुत ज़्यादा जो है ना क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप ज़रूर ऐसे पेजेस से ऑर्डर करें और ब्रांड्स को सपोर्ट करें, जो लोग खुद क्रिएट करें इंस्टाग्राम पेजेस पे लोकल ब्रांड्स को, इंस्टेड ऑफ के हम लोग जो है हमेशा हाई एंड ब्रांड से लें, क्योंकि उनको तो फॉर देम इट्स लाइक अ बिजनेस, इट्स लाइक अ मार्केट एंड एवरीथिंग, और उनके तो कपड़े वैसे भी सेल हो जाते हैं। तो इट्स वेरी मच बेटर कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कपड़े ले लें और अपनी मर्ज़ी से एडिशन भी कर लें, और उसके साथ साथ आप लोग एक अच्छी क्वालिटी में और रीज़नेबल प्राइस में चीज़ ले सकते हैं। तो फॉर नाउ ये वाले यही हैं हमारे पास ईद के आज के कपड़े, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है वो एक केक हमें PR में आया था, एज अ PR आया था, तो वो हम आपको दिखाते हैं, एंड दैट्स आल्सो रियली गुड। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में वो दिखाती हूँ।
जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो केक है हमें आया था जोई केक इंडल्जेंस से, और इस केक की क्वालिटी में इट्स लाइक रियली रियली गुड, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट केक था। और आप देख सकते हैं इसकी प्रेजेंटेशन से ही कि केक कितना खूबसूरत लग रहा है, उसकी डेकोरेशन काफ़ी 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 अच्छी थी। स्पेसिफिकली क्योंकि होम मेड केक है, ये एक होम बेस्ड बिजनेस है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ द थिंग्स इज़ रियली गुड। जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं दे आर रियली रियली गुड। आप देख सकते हैं, आपने अगर ऑर्डर करना है तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी लिंक कर दूँगी नीचे, तो ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी 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 अच्छा, इसका जो टेक्सचर काफ़ी अच्छा था, स्पेसिफिकली क्योंकि ये पर्सनल अटेंशन दे के, जो आपके होम बेस्ड केक्स होते हैं ना, पर्सनल अटेंशन दे के एक ऑब्वियसली जिसको शौक है एक चीज़ बनाने का, वो ही इस तरह के होम बेस्ड जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो एक पर्सनल अटेंशन दे के आपके जो केक है वो बनाते हैं। उससे ये होता है कि जो आपके स्पेशल स्पेसिफिकली जो मोमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी बर्थडे हो गई, किसी की इंगेजमेंट पार्टी हो गई, या कोई वेडिंग केक हो गया, कोई किसी भी ग्रेजुएशन का केक हो गया, जैसे आजकल ग्रेजुएट कर रहे हैं बच्चे और कोरोना वायरस की वजह से हम प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, तो आप इस तरह के केक्स ऑर्डर कर सकते हैं और आपके इमोशंस जो हैं उनको इस तरह से इतनी खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू केक्स एंड एवरीथिंग। तो और आप उनको बता सकते हैं कि आपने कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, उनके पास काफ़ी 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 ज़्यादा वैरायटी है कि आपको किस किस्म का केक चाहिए। सो इसकी जो आउटर क्रीम थी वो बटर स्कॉच का इस टेस्ट आ रहा था, और सेंटर जो था इसका कैडबरी फिल था, वो बीच में केक गिर गया था क्योंकि मुझसे सही तरह कटा नहीं था, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ओवरऑल आर एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, द केक वॉज रियली गुड। आप ये केक कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, उसके साथ साथ इनकी प्राइसेज और बहुत रिजनेबल हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा है। ओवरऑल हम इस केक को हाईली रिकमेंड करेंगे, आप ज़रूर इनका इंस्टाग्राम पेज देखिए और ऑर्डर कीजिए। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आई होगी। आज का रिव्यू बस यही था, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।